व्यापार मंडल संगठन मंत्री सुफियान अहमद ने मीडिया को दिए बयानों में कहा है, अब्बास मार्केट में जो पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल बना रखा है, स्टैंड की जगह कुछ लोग अवैध तरीके से दुकानें बनवाने की तैयारी कर रहे थे। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल ने ऊपरी अधिकारियों से शिकायत भी की थी। समस्या हमारी थी जिसको लेकर व्यापार मंडल बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारी परेशानी के लिए। अच्छा, मार्केट में अब्बास मार्केट में लेकर जो पार्किंग को लेकर जो बात चल रही है, क्या मामला है पूरा? 6 तारीख की रात कुछ अज्ञात लोग यहाँ पर पैमाइश कर रहे थे, मार्किंग चल रही थी और यहाँ पर पार्किंग स्थल पर कुछ कब्जा करने की तैयारी थी, जिसको मार्केट का रूप देने की तैयारी थी। यहाँ पर दुकानदारों को जिसकी मालूम होने पर दुकानदार इकट्ठा हुए, उन्होंने जब उनसे कागजात मांगे, IDA के पेपर, NOC वगैरह मांगी, तो वो लोग यहाँ से फरार हो गए, जिसकी सूचना हमने कोतवाली को दी। कोतवाली पुलिस मौके पर आ गई, उन्होंने आकर सब काम को रुकवा दिया और आश्वासन दिया कि यहाँ कोई काम नहीं होगा। उसके बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी यहाँ आ गए, फिर हमने सारी कंप्लेंट उसकी कर दी है, मुतवली को भी इन्फॉर्मेशन दे दी है वक्फ बोर्ड के, उनकी जानकारी में कोई बात नहीं। अनजान व्यक्ति थे, यहाँ पैमाइश चल रही थी, 5-6 लोग थे, सब सामान उनके पास मौजूद था, सारा मटेरियल मौजूद था, और जब व्यापारी इकट्ठे हुए यहाँ पर तो तुरंत फरार हो गए, जिसकी जानकारी यहाँ ले सकते हैं, कैमरे यहाँ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसकी रिकॉर्डिंग चेक हो सकती है। कि शाम को यहाँ पर कुछ लोग पैमाइश कर रहे थे, जिससे लगता था कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। उनके साथ सामान काफ़ी मौजूद था, मजदूर भी थे। जब व्यापारियों को इसकी सूचना मिली तो सब इकट्ठे हो गए, उनको जब पूछा गया इसके बारे में कागजात वगैरह, तो वो सब निकल गए यहाँ से। मार्केट में कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? मार्केट में भाई लगभग 150 दुकानें हैं, और यहाँ पर मेन पार्किंग की जगह यही है जहाँ पर वो पैमाइश कर रहे थे। आप उसकी एक बार जगह को, मौके को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से परेशानी आगे बढ़ सकती है अगर इस जगह को बंद किया जा सकता है। आगे ऊपर वाला ना करे, अगर आग लगती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा संकट बन सकता है।